वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू रिचैंड सोर वर्ल्ड। लास्ट वीडियो में हमने यहीं पर ही वीडियो खत्म की थी क्योंकि हम इमिग्रेशन में अटक गए थे एंड फाइनली हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है जो हमने एटीएम से पैसे निकाले एंड नाउ वी आर गोइंग टू हमारा बैग उधर ही घूम रहा है ये रेड वाला क्योंकि हम ही सबसे लास्ट में जो सबसे पहले जाने वाले थे। लास्ट टाइम हमारी वीडियो में ये हुआ था गाइस कि लास्ट में हमारे पास कैश नहीं था और कोई भी कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा था वहाँ पे इमिग्रेशन में, तो हमें वापस पूरा इंडिया का कार्ड नहीं चला, कोई कार्ड नहीं चला, इसके सारे इंटरनेशनल कार्ड फेल हो गए इनकी मशीन के आगे। तो फिर हम लोगों को वापस जाना पड़ा, पूरा एंड तक घूम के एटीएम से पैसे निकालने पड़े। तो दिस इज आवर बैग, ये मोली वाला जो बैग है ये हमारी निशानी है हमारी निशानी है और एक रेड बैग भी है। अकाउंट किया टोटल उन्होंने 210 दिराम्स लिए हैं, अब इसको कन्वर्ट कर लो कितना बनता है। बिकॉज हमारे पास यूके रेजिडेंट कार्ड था तो हमें ऑन अराइवल वीजा मिला है। जो भी लोग यूके से ट्रेवल करते हैं डायरेक्ट टू अबू धाबी एंड दुबई, उनको अराइवल वीजा मिलेगा अगर आपके पास यूके रेजिडेंट कार्ड है या फिर यूके पासपोर्ट है, यूएसए पासपोर्ट है, वो तो चलो पता ही होगा सबको। चलो जी हमारा दूसरा बैग भी आ गया, इसको पकड़ो चले फिर दुबई। ओ हबीबी कम टू दुबई, इसमें रील बनानी है। ये ना तुम हबीबी को क्या बोलते हो? ये बीबी इसका नाम यही डाला हुआ, ये बीबी। तो आ चुके हैं अबू धाबी एयरपोर्ट के बाद, ये देखो और गर्मी इतनी, सौरभ के पसीने निकल रहे हैं। सीधे बट ठीक है, दिस इज आल्सो ए डिफरेंट चार्म। हां डूड आंखें नहीं खुली थी। अच्छा थोड़ा काम ही नहीं है। नहीं बट अच्छा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। हेलो, ये हमारे टैक्सी वाले, क्या नाम है सर? इरफान। ये हमें लेने के लिए आए हैं, हमारे होटल तक ड्रॉप करेंगे। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? दुबई जैसा लग रहा है। तो हम अपने होटल पहुंच गए हैं पार्क रेजिस क्रिस्टी, काफी अच्छा होटल, सुना है रिव्यूज काफी अच्छे हैं, 5-star होटल्स की कैटेगरी में आता है। अभी हम जाने वाले अपने होटल में चेक इन करने के लिए एंड लेस दैट द बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया है अभी, बट होटल मिलने में भी टाइम है। हम लोग जा रहे हैं पूल देखने के लिए, रूफटॉप जा रहे हैं। यहाँ का इन्फिनिटी पूल बहुत अच्छा, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे है और ब्रेकफास्ट का भी बहुत अच्छा बढ़िया व्यू है। अभी तो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, सुबह करेंगे। बट ये दुबई, ये कौन सा है? चले क्रिस्पी द व्यू। अरे ये वही तो है ब्रेकफास्ट एरिया, चलो एक बार देख के आते हैं ना कैसा है। लेट्स हैव अ लुक ऑफ द ब्रेकफास्ट एरिया, इसमें लंच भी है बेसिकली। वो बोल रहा था वी कैन सिट हियर ना, लाइक वहाँ पे। ओह माय गॉड नाइस व्यू बेबी, या ये देखो गाइस व्यू तो बहुत बढ़िया है। अगर आप देखते हो रात को तो बहुत चमकेगा। क्या होटल के इस व्यू से मुझे दुबई फ्रेम भी दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो नाइस। व्यू सारे ही अच्छे हैं पूरे, एक्चुअली सारे होटल के व्यू एक जैसा ही लग रहा है, कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा। इवन तुम्हें अगर पिक्चर्स चाहिए होंगी ना रील के लिए मेरे को, मैं इधर आके बैठ जाऊंगी, हर कोने कोने से पिक्चर ले लूंगी। अपना हो गया का मेरी फ्रेंड बजने वाले फोटोग्राफर हमारा इधर ही रेडी रहता है वो हमेशा। गोइंग टू रूफ टॉप, जो मेरा सबसे किसने स्मोक की है, गंदी वाली स्मेल आई ना इधर से, मुझे ना इसकी लिफ्ट बड़ी सही लगी और कलरफुल जी पूरी ना लाइट वाइट बिल्कुल बढ़िया है। सौरभ मेरे बाल कैसे बने हुए भूत जैसे, सही करो इसको ठीक हो जाएगा ना अभी। हाँ सच में शावर लेना है, वो तो बोला था ले। ये है इन्फिनिटी, ओ सॉरी इन्फिनिटी पूल। बहुत गर्मी है यार अभी तो, बट अच्छा पूल बनाया है, सही है, जो ऐसे देखा था वैसा ही लग रहा है। ये है यहाँ का व्यू, अगर आप देखो ये पूरे सिटी का व्यू है, वो दुबई मॉल है और यहाँ से पूरा आपको पूल में नजारा लेंगे शाम को। This is going to be a washroom. Nice, not bad. Okay, and coming to this, this is our bedroom. अभी ये उसको छोटा लग रहा था और वो कह रहा था इससे भी स्पेस। मैंने कहा भाई दो जने आपको तो 10 जने पूरा दिन अंदर रहना नहीं है, और फिर तो बोल रहा है कि इससे भी बड़ा ले लो। तो यहाँ पे है बाहर का व्यू जो कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, लंबा वाला व्यू को देखो। ये यहाँ भी आके ना ऑफिस कॉल के बैठ गया है, और कोई काम शाम है कि नहीं तुमको? अरे बाबा काम ही करना, मेरे बर्थडे की तैयारी करनी है कि नहीं? बर्थडे है आज, कड़ी का बर्थडे है हबीबी, कम टू दुबई। और यहाँ में ना इन्होंने थोड़ा टी कॉफी का भी अरेंजमेंट किया हुआ है, मैं सोच रही हूँ टी पी लूँ, एक पीनी है सारा।
खाने के लिए भी चाहिए। अभी हम देख रहे हैं, अभी आलसी पड़े हुए हैं, सोच रहे सो जाए अभी एक घंटे के लिए, क्योंकि शाम को फिर पूरा आई थिंक 6-7 बजे से हमारा स्टार्ट होगा और रात के 11-12 बज जाने हैं। हाँ तो ओके, एक बार फ्रेश हो चुके हैं हम लोग और इतनी गर्मी है, वापस निकल में आ चुके हैं और हमने ना थोड़े पर्दे भी बंद कर दिए ताकि धूप ना आए, रात को खोलेंगे जब अच्छा लगे। तो रिचा मैडम तो बोल रहे मुझे यही पर बैठ के चाय पीनी है, मतलब फोटो यही पर आए, व्यू के साथ ही आए। सच्ची बताती हूँ, अभी जो है ना हमारा जो शाम का सेलिब्रेशन है वो शुरू होने वाला है 6 बजे के बाद, तो अभी मेरे पास 2 घंटे हैं, मुझे कुछ करने को मिल नहीं रहा, सो मैंने पूरा लिया फ्लाइट में, तो अभी मैंने सोचा यही बैठ के टाइम पास करते हैं। लो जी, तो ओहो क्या बढ़िया सनसेट हो रहा है, मजेदार हो रहा है, गर्मी कम हो रही है बाहर, मजा आ रहा है। और ये रहा गाइस व्यू, इट्स हबीबी कम टू दुबई, थोड़ा प्यार से थोड़ा नजाकत से ऐसे बोलना चाहिए तुम्हें। तो अभी हम होने लगे हैं तैयार और फिर हम निकलेंगे अपनी टॉप क्रूज के लिए। आने से पहले एक जापानी सेंचक टी पीने लाल देते हैं, पीनी है, ट्राई करने लगी हूँ कैसी है, यहाँ पे रखी होटल वालों ने। आज आउटफिट ऑफ द डे, बर्थडे आउटफिट ऑफ द डे, और रिचा एंजॉय कर रही है अपनी पूरी सेल्फियां ले लेके, वीडियो ले लेके। मैं मजेदार व्यू है ना, हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ, एक घंटे से मैं फोटोज और रील बना रहा हूँ, मुझे पता है कितना बढ़िया व्यू है। इंस्टाग्राम रील्स देखिए, एंजॉय कीजिए, पिक्चर्स देखिए। अभी हम निकल रहे हैं क्रूज के लिए गाइस, चलो बैक टू लिफ्ट। यार ये लिफ्ट से प्यार हो गया मुझे, यहाँ पे मेरा पूरा आउटफिट दिख रहा है गाइस, डोंट मेरे जूतों पे मत जाना क्योंकि ये सौरभ ने मुझे पहनाया है कि तू हील नहीं पहनेगी। हम इधर से जा रहे हैं उधर अपने डाउ क्रूज की तरफ, भूख भी लगी है, चलो भी चलो ये साथ। तो बर्थडे गर्ल जी खुश हो, क्रूज जा रहे हैं अभी क्रूज। ये रहा पूरा ना कैनरी वॉक की तरह लगता है, वो जो हमारे लंदन में है ना। हां जी हां जी, लाइटली लाइटनिंग वाला। अच्छा ये थोड़ा ज्यादा कलरफुल है, हां सुना था, काफी देखा भी था, बट आज एक्सपीरियंस भी किया। ओ की लाइन में ना क्रूज ही लगी हुई है, अभी तक हम अपने क्रूज पे पहुंचे नहीं है, वो बताएंगे ना, वो उन्होंने किए हुआ सारे। पीछे से हम आ गए हैं ऊपर और ये रहा व्यू पूरी सिटी का, मस्त है। तो स्मॉल स्मॉल यॉट के बीच में दुबई का व्यू, मरीना का, और ये बर्थडे गर्ल, यहाँ पे हो रहा पिक्चर, इन्होंने हमारे लिए हम इनके लिए लो जी लो। क्रूज पे हाँ जी, स्काई डाइव दुबई, ये भी करना था, बट हमने ऑलरेडी यूके में किया है, कितनी बार स्काई डाइव करेंगे, 2-3-4 बस इतना ही, ये करना चाहिए था रिचा, यॉट। हाँ वो पूरा ग्रुप करता है। सो फाइनली वी आर हैविंग अवर डिनर, सौरभ को थोड़ा हेल्दी ले रहा है, और अभी हमें लगता है क्रूज भी खत्म होने वाली है, पसीने आगे लगता है सौरभ को। मजा आया, बहुत मजा एंजॉय किया, अभी हम जा रहे हैं वापस घर, हमारी कैब आ चुकी है लेने के लिए। हैप्पी बर्थडे, रात के 12 बजे एग्जैक्टली। हाँ तो फाइनली कहाँ पर आके मना रहे हैं, जा रहा है ये हमारे होटल में, जितना व्यू, यस अमेजिंग व्यू है, आई जस्ट लव्ड इट, एंड फाइनली एक सेकंड चलो फूंकी मारो, इतनी ज्यादा कैलोरीज रिचा आज खाएगी, रिचा कैलोरीज, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, यस यस ओके, चर्स कॉकटेल एंड मॉकटेल्स टू रूम। पेस्ट्री हम यहीं पे रख देते हैं जो हमने थोड़ी सी खाई है, एंड बाय बाय बोलते हैं गाइस, इट्स अ बहुत हेक्टिक डे था, पर रिचा का बर्थडे था, रिचा
दिन खत्म हो गया है। और यहाँ के रूम की सबसे अच्छी खासियत है ये इसका व्यू। तो आप लोगों को बाय बोलते हैं और मिलते हैं कल वाले दिन में। कल हम सिटी टूर करने वाले हैं, बुर्ज खलीफा में डिनर करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें होने वाली है। बाय बाय गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर द लवली विशेस। गर्ल्स सबको एक बार थैंक यू बोल दे। विशेस थैंक यू सो मच गाइस फॉर द लवली विशेस। इंस्टाग्राम में बार-बार की विशेस आए, थैंक यू सो सो मच। आप लोगों के तो आप लोगों का थैंक यू एंड दिस टाइम फॉर अ ब्यूटी स्लीप। लेट अस ऑल की तरह मोटे मोटे डार्क सर्कल आ जाएंगे। पीछे ही पड़ गए मेरे डार्क सर्कल्स के। मानता भी नहीं है बट मानता हूँ, नींद ही नहीं पूरी हो रही है। हम ट्रिप के बाद इसका इलाज करवाएंगे। बाय बाय, फॉलो सो इंस्टाग्राम।